साहित्यिक समूह के द्वारा आयोजित आज की काव्य गोष्ठी और पुस्तक लोकार्पण समारोह में आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। गणमान्य रचनाकारों को सम्मानित करने और उनकी रचनाओं का रसास्वादन करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और बहुत खुशी की बात है कि अधिकांश सभी लोग आ गए हैं जिन्हें शांडिल्य जी हैं। तीनों लोगों का आप कृपया स्वागत करें तालियां बजाकर। कौन आंगन में सोता होगा, पेड़ नीम का रोता होगा। कौन आंगन में सोता होगा, पेड़ नीम का रोता होगा। कल खेतों का सौदा होगा, माँ कहती है रिश्ता होगा। कल खेतों का सौदा होगा, माँ कहती है रिश्ता होगा। मोती तकता होगा रोटी, मोती तकता होगा रोटी, दरवाजा जब खुलता होगा। अब जबकि तुम चले गए हो, अब जबकि तुम चले गए हो, कौन किसी की सुनता होगा। तुमसे थे सब गांव के रिश्ते, तुमसे थे सब गांव के रिश्ते, नाम मेरा क्या चलता होगा। और अब के जो मैं शहर गया तो लौटने का क्या रास्ता होगा। क्या अब भी सब रोते होंगे,
क्या अब भी सब रोते होंगे खेत जब कोई बिकता होगा। और ये आखिरी शेर सुनिएगा, सारे मिलने आ पहुंचे हैं, सारे मिलने आ पहुंचे हैं, बाबा तुमको दिखता होगा। धारे की ना किनारे की, ना धारे की ना किनारे की, ना सेतु की बात करता हूँ, ना संशय की ना विस्मय की, ना हेतु की बात करता हूँ। ना धारे की ना किनारे की, ना सेतु की बात करता हूँ, ना विस्मय की ना संशय की, ना हेतु की बात करता हूँ। सुरभित है जिससे पर्पल पेन की ये बगिया, सुरभित है जिससे पर्पल पेन की ये बगिया, मैं काव्याक्षर और काव्य सुरभि के साहित्य केतु की बात करता हूँ। साहित्य केतु की बात की रोटी में भी छिपा होता है माँ का दुलार, हर रूखे टुकड़े में भी बसा होता है ममता का सार, चांद की अधूरी सूरत भी देती है मेरी रोटी का आभास, एक अठन्नी सी गोल होती है पर रुपए का मजा देती है, रोटी की तलब भी ऐसी रहती है कि तमाशा बना देती है, जिंदगी के सफर की धुरी रहती है गोल गोल घुमा देती है, तुझसे तू भी करवाती है अक्सर जिंदगी में, मुझसे मैं का चक्कर चला देती है, जिंदगी है तो रोटी है और रोटी ही है जो फसाना बना देती है। खुदा बना के तुझे पेश किया था जो कभी, खुदा बना के तुझे पेश किया था जो कभी, गजल वो मेरी सुनाओ के दिल परेशान है। आमंत्रित करती हूँ प्रिय वसुधा जी को, जिनके अनथक प्रयासों से ही ये आज का कार्यक्रम संभव हुआ है। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, इनकी बहुत परिश्रम किया है। मुझे देखकर ही लगता है कि मैं कितना परिश्रम करती हूँ। दूज के चांद सा टुकड़ा रोटी का दिखा, दूज के चांद सा टुकड़ा रोटी का दिखा, माँ बोली बच्चे से आज ईद है उठ इधर आ, हाँ जानती हूँ कल से तूने कुछ नहीं खाया, हाँ जानती हूँ कल से तूने कुछ नहीं खाया, आज तू मेरे लाल भूखा मत सो जा, आज ईद है। तेरी कमीज के पैबंद भी अब उधड़ने लगे हैं, तेरी कमीज के पैबंद भी अब उधड़ने लगे हैं, नन्नी हथेलियों में छाले पड़ने लगे हैं, कोई खिलौना तुझे मेरे बच्चे कभी नहीं मिला, आज लाई हूँ कोठी से टूटा इंजन, आज चला आज ईद है। कब्र में करवटे बदलते हमारी हालत पर, कब्र में करवटे बदलते हमारी हालत पर, तेरे अब्बा करते होंगे बेचैनी से इंतजार तेरा, चल चुन लाए बाग से कुछ फूल उठा, आज ईद है। और ये अंतिम बंद इसका, शाम को कोठी में बड़ी रौनक होगी, शाम को कोठी में बड़ी रौनक होगी, खाने पीने की हंसी ठहाकों की महफिल होगी, बीवी बोली थी छोटे को साथ ले आना, बीवी बोली थी छोटे को साथ ले आना, देखा नहीं तेरा मुख मैंने हफ्तों से, आ दिखा आज ईद है। और आज के दिन जो अल्लाह की रहमत हो तो, आज के दिन जो अल्लाह की रहमत हो तो, भटकता दिल भी सुकून पा जाए, हर रोज मांगते हैं हम दुनिया से, आज रब के सामने दामन फैला, आज ईद है। पल आ गए हैं, हम अपने विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित करेंगे कि वो बारी बारी से आएंगे और अपनी सुंदर रचनाएं हमें सुनाएंगे। कि आज रविवार है फिर भी पूरे घर में पसरा है सन्नाटा, सोच रही थी बूढ़ी माँ। आज रविवार है फिर भी पूरे घर में पसरा है सन्नाटा, सोच रही थी बूढ़ी माँ। एक वो दिन थे जब रविवार का दिन आम दिनों से अलग होता था, हम पांच भाई बहन दिन भर साथ जो होते, झगड़ते तो दादी बाबा करते बीच बचाव, सप्ताह भर के कपड़े धुलते, कुछ ऐसा विशेष खाना बनता जो आम दिनों में ना बन पाता।
हम बहनों के सर पर माँ सप्ताह भर के लिए तेल डालती, तेल डालने के साथ ही रोप देती हमारी सीमाएं, हमारे दायित्व, हमारे कर्तव्य। रिश्तेदारी में भी कोई न कोई आ ही धमकता, जैसे आज बिन बताए आ धमकते हैं संदेशे मोबाइलों में। पर आज बेटा बहू और पोती के लिए रविवार का मतलब है देर तक सोना, देर से नहाना, नेट पर चैटिंग, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर, खाना बाहर, घर में कुछ नहीं, सबसे दूर, अपने में व्यस्त। पूरा हफ्ता करती हूँ इंतजार रविवार का कि रोज का सन्नाटा टूटेगा रविवार को, बेटा बहू साथ बैठेंगे, पोती उछल कूद करेगी खरगोश की तरह, पर इंतजार इंतजार ही रह जाता है, पर इंतजार। लो से लो को जोड़कर लो को बना मशाल, लो से लो को जोड़कर लो को बना मशाल, और क्या होता है देख फिर अंधियारों का हाल, क्या होता है। ने शेर कहा, उसने कहा कि आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। मैं खैर एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा गालिब के नाम, गालिब समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी शेर को मैं खोलता हूँ। जो यहाँ अहले शायरी, जो यहाँ अहले अदब बैठे हैं, कविता वाले बैठे हैं, इस शेर को अगर सचमुच समझ के चले गए तो मेरा दावा है कि आज वो 70% कविता सीख के चले जाएंगे। गालिब ने कहा कि आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल, लोग सोचते हैं गालिब बोल रहा है, गालिब शेर कह रहा है, गलत। ये गैब है, ये गैब है तो ये ईश्वरीय कुछ उतरता है। मैं नहीं हूँ वो जो आपको दिख रहा है, वो है जो गैब से ऊपर से एक वही नाजिल होती है, एक ऊपर से कोई चीज़ जहन पे उतरती है मज़ामी ख्याल में। अब दावा बदलील शेर है, शेर सुन लीजिएगा, ये सानी मिश्रा, मैं फिर कहता हूँ जिसने समझ लिया उसको आज शायरी आ जाएगी, कविता आ जाएगी, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है, शरीर खामा, जरा कलम दे बच्चा, शरीर खामा क्या होता है, ये जो कलम है खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जो शरीर खामा, खामा कहते हैं कलम की नोक, ये टिप, और शरीर कहते हैं उसकी सरसराहट, इस निब की सरसराहट, कलम की सरसराहट। जब आप लिखते हैं तो आपको एक एक सरसराहट, बहुत ध्यान से देखेंगे तो सुनेंगे ऐसे, सुनता है। गालिब कहता है कि शरीर खामा कलम की नोक की कागज पर जो सरसराहट है, ये नवाए सरोश है, ये फरिश्तों की आवाज है। मुझे फरिश्ते बोलते हैं डिक्टेशन, इस सरसराहट में वो फरिश्ते अपना डिक्टेशन बोलते हैं, ये लिख, ये लिख, ये लिख। बस इतना सा फर्क है कि मैं उस फुसफुसाहट को, उस सरसराहट को पहचान लेता हूँ। आप लोग कहते हैं गालिब बहुत अच्छा शायर है, बहुत अच्छी शेर कहता है। तो दोस्तों, अपनी कलम की सरसराहट को पहचानना सीखो। ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये आपसे क्या लिखवाना चाहते हैं, वो आपको अगर पता चल गया। अगले बाजी अलग है, हास्य बोध अलग है, वो बहुत बढ़िया है आपका। न कोई बोल जब पाए तो कविता बोल देती है, अंधेरों में ये खिड़की रोशनी की खोल देती है। ये ताकत भी है कविता में, अगर सचमुच वो कविता है कि मरते आदमी में जिंदगी सी घोल देती है। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की कविता वास्तव में मरते हुए को नई जान देने वाली है। मैं आमंत्रित करती हूँ सर्वप्रिय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को कि वो आएं और अपने मधुर कंठ से कुछ सुनाएं। जोरदार तालियां।
रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ माहिया के लिए सर। हाँ, या ये हर्बल की बेबसी कम कर या तो मेरी ये जिंदगी कम कर, और मीठी बातें ये रस भरी कम कर, मीठी बातें ये रस भरी कम कर, तू तो बस्ती से तीरगी कम कर। मीठी बातें ये रस भरी कम कर, तू तो बस्ती से तीरगी कम कर। सुबह 7 बजे की ट्रेन थी मेरी, 8 घंटे लेट, और स्पेशल ट्रेन थी जिसकी टिकट वापस नहीं हो सकती, नए नए धंधे निकाले जा रहे हैं कमाई के लिए, और एक फ्लेक्सी सिस्टम आ गया, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बहरा तो मीठी बातें ये रस भरी कम कर, तू तो बस्ती से तीरगी कम कर, ख्वाब खुशियों के मत दिखा मुझको, ख्वाब खुशियों के मत दिखा मुझको, मेरी आंखों से कुछ नमी कम कर। मेरी आंखों से कुछ नमी कम कर, और प्यार बेहद पवित्र जज्बा है, प्यार बेहद पवित्र जज्बा है, ये दिखावे की आशिकी कम कर, ये दिखावे की आशिकी कम कर, और नफरतों से झुलस रही दुनिया, नफरतों से झुलस रही दुनिया, प्यार में हो रही कमी कम कर। और जो नरेश जी जो बात कह रहे थे कि अब अंधेरे चमक रहे हैं बहुत, अब अंधेरे चमक रहे हैं बहुत, इन अंधेरों की रोशनी कम कर। अब अंधेरे चमक रहे हैं बहुत, इन अंधेरों की रोशनी कम कर, और अपनी पृथ्वी बचा ले ईश्वर, अपनी पृथ्वी बचा ले ईश्वर, जानवर भेज आदमी कम कर। अपनी पृथ्वी बचा ले ईश्वर, जानवर भेज आदमी कम कर। गजल का आखिरी शेर कि ये हवस ख्वाहिशों की अंधी दौड़, ये हवस ख्वाहिशों की अंधी दौड़, तू ये हर दिन की खुदकुशी कम कर।